तो भाई आया, देन वो है ना सुल्तान के वो वाले लुक में आए थे भाई, वो एकदम पेट वेट, तो हम लोग को लगा एकदम हैंडसम भाई आएंगे, तो देखे तो बोला अरे ये क्या है भाई, ये कौन है वैसा भाई निकल के ऐसा आँख वाँख दिखा के यूँ जा रहा है, तो हम लोग ना टू स्टेप मतलब बैक हो गए, अरे ये क्या है, और एक लड़की चिल्लाती है आई लव यू सलमान, तो भाई का रिएक्शन क्या है, मेरे बिल्डिंग में एक वॉचमैन था तो ही वॉज फ्रॉम यूपी, तो एक बार कुछ ऐसी आपस में बाजू में एक स्लम था तो वहाँ पे झगड़ा होता था, तो वहाँ पे कोई मराठी महाराष्ट्रन वाले, तो वो मराठी में बात कर रहा था पुलिस से, तो तब मेरे को वो कैरेक्टर मतलब आया, अरे तू रॉक 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 जैसा लग रहा है, तो उसमें अरे लग रहा यार फिर वो इफ यू स्मेल व्हाट द वॉक इज कुकिंग वो सब ट्राई करता था, देन सचिन सर को करता था मैं हां या डेफिनेटली वो सब ट्राई करता था। Alright, ladies and gentlemen, welcome to this amazing podcast jiska naam hai Off Air with J-Man. There are a lot of talented people, but aise bahut kam talented people hai jinko dekhkar mereko hansi aati hai, and I'm very happy that Zubair bhai, you are here. Thank you so much. Bhai, matlab, pehle to thank you for coming. Dusri baat ye hai ki aapka reels dekhkar mereko bahut hansi aata hai. जो बहुत कम लोगों के रील्स को देख के आता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। सो यार आप कहाँ पर पले बड़े, कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कैसे मतलब था वाइब आपका मतलब बचपन से, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। मैं मतलब बेसिकली मुंबई से ही हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप, एंड शुरुआत मतलब बोलते ना बचपन से मतलब एक्टिंग का जो एक कीड़ा होता है वो होता ही एक्चुअली एक्टिंग का, तो किसी महान आदमी ने कहा है, महान आदमी का नाम बाद में लोगा, कि वो जो कीड़ा जो होता है जब आप यहाँ से चले जाते हो ना तभी वो चला जाता है, जो आपका कीड़ा होता है, जैसे आपके अंदर भी कुछ कीड़ा होगा मेरे में भी कीड़ा। तो मेरी शुरुआत ऐसी हुई थी जैसे मैं मिमिक करता था, मिमिक्री काफ़ी करता था। किसकी करते थे आप? मतलब इनिशियली मतलब जैसा छोटा था ना तो मेरे अंकल थे वो स्मोक कैसा करते थे, वो सिगरेट वगैरह, तो तब से कैप्चर करते रहता था मैं कि कैसे स्मोक करते हैं, तो उनका मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा ग्लिम्स आता है कि मैं उनकी ऐसी एक्टिंग किया करता था। देन फिर मैं स्कूल में आया तो मेरा फर्स्ट, मुझे मिमिक्री का टर्म तब पता नहीं था कि मिमिक होता है, इंडिया में शायद उतना उस वक्त था नहीं था। तो मेरे फेवरेट थे जैसा WWF देखते हो गए आप, द रॉक, राइट, सवाल ही नहीं। तो मैं रॉक की ऐसा मिमिक करता था, तो आई यूज्ड टू डू दैट, वो ऐसा वाला, हाँ, तो वो भी एक ऐसा हुआ था, मैं बहुत कोशिश करता था कि ऐसा आईब्रो करूं तो होता नहीं था उस वक्त। देन क्या हुआ, एक बार मैं ऐसा घूम रहा था तो किसी ने मुझे ऐसा धक्का मारा और मेरा आग ऐसा हो गया था, तो जब से फिर लोग बोले अरे तू रॉक 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 जैसा लग रहा है, तो जब से बोला अरे लग रहा है यार फिर वो इफ यू स्मेल व्हाट द वॉक इज कुकिंग वो सब ट्राई करता था, देन सचिन सर को करता था मैं हां या डेफिनेटली वो सब ट्राई करता था। फिर धीरे धीरे जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तो तभी लाफ्टर चैलेंज आया था। आपने पार्टिसिपेट किया उसमें? नहीं मैंने नहीं किया था, मैं तो बहुत छोटा था, स्कूल में था मैं तभी 10th में, तो एनुअल फंक्शन में एक मेरे सर थे राम कामले सर, तो वो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो उन्होंने मेरे को बोला तेरे में टैलेंट है, मैं बड़ा मस्तीखोर एकदम नोटोरियस कहते ना वो था मैं, तो मुझको बोले तू अभी पार्टिसिपेट कर, मेरा इंटरेस्ट नहीं था स्टेज पर जाना, बट आई वॉज लाइक कि हाँ मुझे करना है, तो वहाँ से एक जर्नी चालू हुई धीरे धीरे। फिर कॉलेज में आया, फिर मैं यूथ फेस्टिवल में जाता था, देन मैं फिर उस मिमिक्री में मतलब काफ़ी मिमिक करता था लोगों को, एक्टर्स हो गए, आमिर खान हो गया, सलमान हो गया। आमिर खान तो सुनना पड़ेगा ब्रो अभी एक्चुअली ऐसा हो गया ना, मैं बीच में वो मैं बाद में बता दूँ स्टोरी क्या, तो मैं मिमिक्री थोड़ा अवॉइड करने लग गया, बेसिकली अभी मैं थोड़ा एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि उनका नाम मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा, उन्होंने बोला कि तू एक्टर बहुत अच्छा है, हां एक बिल्डअप है, तो उन्होंने बोला तू एक्टर बहुत अच्छा है तो तू एक्टिंग पे ध्यान दे, राइट। तो ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई, देन मैं कॉलेज के टाइम पे मेरे बाल ऐसी थे एकदम घोंसले वाले नेस्ट, तो मैं ऑडिशंस देता था एड्स के, तो उसमें मैंने काफी सारे एड्स किए, क्विकर.com, कैडबरी जेम्स,
तो धीरे धीरे फिर मुझको पता चला यार इसमें ज्यादा मजा है, तो फिर पॉकेट मनी लेना बंद कर देता था घर से. सही है. मतलब अभी खुद कमाना है तो ऑडिशंस देना, जैसे आपने भी बताया कि आप भी देते थे ऑडिशंस, तो लाइन में लगना, ऑडिशंस देना. फिर वो एक शॉर्ट लिस्ट वाला बहुत गंदा सीन होता, फिर उधर से फोन आएगा नहीं आएगा इसका. हाँ, वो मतलब ऐसा होता था किसी अननोन का भी ऐसा कॉल है ना उस वक्त टॉयलेट में भी, अरे ये लगता उसी का ही है, बट वो उसका नहीं होता था, किसी और का. फिर एक मैंने फर्स्ट एड ब्रेक किया था मैकडोनल्ड का, मैक स्पाइसी बर्गर आया था. फिर वहां से मतलब मैं बोला यार इसमें बहुत मजा आ रहा है, पैसे भी मिलते थे अच्छे इनिशियल स्टेज पे. देन करते करते एक अलग, मतलब एक अलग लाइफ चालू हो गई. राइट. सो धीरे धीरे करके जैसे स्टार्ट होता है, मतलब हर इंसान का स्टार्ट. मेरा दोस्त ने भी मेरे को पुश किया टू, फिर मैंने एक बताया आपको कि मेरे को बुला लगा लिया था, तो सेकंड उसने वापस फ़ोन किया मेरे को. मैं बोलता कि सुनना एक यूनक का रोल करने का. अच्छा. तो फिर मैं भी कॉन्फिडेंस में बोल दिया कि हाँ करेगा ना करके. तो फिर बाद में उधर गया तो सीन ही कुछ अलग था. मतलब मेरे को साड़ी वाड़ी पहनाया मेरा, मैं तभी ऐसा गोटी रखता था. अच्छा. अभी दाढ़ी है हाँ, सिर्फ ऐसा बकरी जैसा गोटी रखता था. तो वो भी उड़ा दिया और फिर मेरे को पूरा सजा दिया, बिंदी बिंदी लगा दिया. और फिर बाद में जो असली यूनक्स थे वो लोग वैनिटी में आए अंदर, तो मैं भी हैरान परेशान कि अभी तो वो लोग को ऐसा नहीं मालूम था कि मैं एक्टिंग कर रहा है घर के. तो बोले कैसे साड़ी पहनी है रे तू, ऐसे थोड़ी पहनता करके. एंड लोग ने ऐसा साड़ी लिटरली निकाल के लेफ्ट साइड में डाल दे, मतलब राइट साइड में डाल दे, लेफ्ट साइड में डाल दिया. फिर मेरे को, मैंने फिर आई थिंक वो मेकअप दादा ने उनको बोला अरे एक्टर है एक्टिंग कर रहे. तो फिर वो लोग ने भी कॉन्फिडेंस दिया मेरे को. फिर मेरे को बोला कि बोल के दिखा कैसा बोलेगा तू ये. बोला क्या रे राजो आ रहा है, ऐसा किया तो वो लोग को भी मज़ा आया. फिर वो सीन ख़त्म हुआ, फिर जब भी वो आया, मैं मतलब मेरी मामा भी नहीं है दुनिया में, तो जब भी उन्होंने देखा ये तो शी वॉज लाइक कि ये किधर से आया तेरे में, मतलब यू नो. तो मेरे को, मेरे मॉम को ऐसा आपके फैमिली में क्या मतलब बात हुई जब आपने पहला कुछ रोल किया, तो कैसा हुआ उनका, उनका वाइब कैसा था मेरा? आपने जब ही किया था? मैंने जब फैमिली में किया तब तो छोटा था, तो तभी इतना कुछ रिस्पांस नहीं है. मतलब ऐसे फनी वे में लिया गया. जब फिर मैं स्कूल वगैरह में जब करता था तो लोग हंसते थे, लेकिन फिर फैमिली वाले बोलते थे तेरे पे लोग हंस रहे, बट मुझे वो अंदर से पता नहीं मज़ा आता था. हाँ. कि लोग हंस रहे तो अच्छा लगता था मुझको. राइट. लोग हंसे बोलते ना एक अलग ही एक वाइब आती थी. करेक्ट. तो फिर मैं जब मैं एड्स वगैरह शुरू किया था ना, तभी मॉम डैड ने क्या तब तब फिर मेरे मॉम डैड मुझे बोलते थे कि मतलब नहीं है सब करके, क्या लाइफ नहीं है, जो हर आर्टिस्ट के मॉम डैड बोलते ही है. तो फिर मैं बोला ठीक है, बट फिर बोले तू जॉब कर, तू बीएमएम पढ़ा है ये कर. तो मैं जॉब के लिए भी गया था ब्रो, तो एक डिजिटल एजेंसी में लगा था मैं. और मेरे कुछ दोस्त, मैं पढ़ाई में मतलब ओके ओके था. ओके. टेंथ में कितना है आपको? टेंथ में कुछ 55% आया था. मेरे को भी 55. अरे क्या बात है यार. फिर बाद में ट्वेल्थ में कितना आया? ट्वेल्थ में भी कुछ 60 के अंदर ही आया था. मेरे को भी 55 है. टीवाई में कितना आया? टीवाई में भी 60 के वही. भाई मेरे को 1% ज़्यादा, 56 आया. अरे सही है. तो टेंथ में, 13 में, अरे डिग्री में आपको 1% ज़्यादा आया था. हाँ. मतलब 1% ज़्यादा हो आप मुझसे. So, ये जो कीड़ा है ना जो अपने को शांत बैठने को देता नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और लोग मतलब बहुत सारे लोग, जैसे आप, जैसे आपके मॉम डैड ने बोला कि क्या कर रहा है बिन मतलब का, फिर अभी, तब भी जो था और अभी में क्या फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है ब्रो? जब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप पैसा कमाने लग जाते हो ना, तो वो पैसा ही आ रहा है, वो बोलते हैं ना नोट ही आ रही है भाई. हाँ. गांधी वाली. Right. तो वो नोट जब आती है वो ऐसे आया या वैसे है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत काम करके, बट आर्टिस्ट से आ रहा है, या मैं जॉब करके भी अगर 10,000 कमा रहा हूँ और मैं 10,000 यहाँ से भी कमा रहा हूँ, तो आ तो रहा है उतना ही, नोट ही आ रही है. खाओगे भी तो आप वही. राइट. निकालोगे भी वही. राइट. तो मुझे लगता है मेन पैसे का ही होता है. और ये भी है कि ऑब्वियसली माँ बाप है, उनको तो फिक्र होती है कि इसमें फ्यूचर नहीं है ये. बट मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मतलब आई बिलीव इन अल्लाह, कि मतलब अल्लाह जो मतलब करते वो प्लानर, मतलब बोलते ना गॉड इज अ बेस्ट प्लानर. राइट. आई बिलीव इन दैट, कि वो जो प्लान होता है वो अलग ही प्लान होता है, हम जो सोचते हो होता ही नहीं, होता नहीं है. बट और एक मुझे ऐसा लगता है गो विद द फ्लो. एब्सोल्युटली. मतलब जैसा आप चलते जाओ देखते जाएंगे जो होगा.
कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, बस करते रहो. मतलब आप मुझे फिर एक है ना, एक अंकल थे मेरे बिल्डिंग में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. कुछ 70-75 के थे वो, तो वो भी एक आर्टिस्ट थे. उन्होंने बोला तो उतना सक्सेस नहीं हुए थे वो, उन्होंने लेकिन एक बहुत अच्छी बात बोली थी लाइफ में. बोले अभी है ना मुझे गम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया. एब्सोल्युटली. तो बोले बेटा ट्राई कर ले. नहीं तो है ना क्या होता है ना, कुछ लोग अभी भी मेरे एज ग्रुप के, उनको कुछ करना और था बट उन्होंने ट्राई नहीं किया ना, तो उन लोग अभी डिप्रेशन में. करेक्ट. क्या यार काश मैं वो कर लेता. तो एटलीस्ट ये कि भाई अभी पता नहीं आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट ऐसा कि हाँ भाई ट्राई तो किया था. सही है ये वाला. वो उससे क्या है ना कि एक तो है कि हम लोगों को कोई गम नहीं रहने वाला है, हम जैसे लोगों को, कि हमने नहीं ट्राई किया. बिल्कुल. बट ऐसे भी लोग हैं ब्रो जो मतलब जरा सा करके फिर वो जो मुकरना होता है ना उस चीज से, जहाँ पर उनको डिसअपॉइंटमेंट फेस, जैसे डायरेक्टर ने सिलेक्ट नहीं किया, बराबर 15 करोड़ ऑडिशन दे दिया है उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर वो लोग रुक जाते हैं. ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बहुत लोग. तो आप मतलब आप क्या सोचते हो उसके बारे में? मुझे लगता है यार कि ना भाई नहीं रुकना चाहिए. मैं बोलता हूँ ना, वो उस रिवर में आप छलान मार दिए तो मतलब तैरते रहो. मुझे लेकिन लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, वो पैसे को लेकर ही होती है ज़्यादा मोस्टली. सबका अपना अपना फंडा है ऐसे समझ लो. बट मुझे लगता है कि एक बार तो मतलब जो आपके मन में वो ट्राई कर लो. करेक्ट. मैं तो बुढ़ापे में मतलब 70-75 अगर हम जिए तो उस वक्त ऐसा लगे कि यार काश कर लेता. ऐसा वो होता है ना, गर्लफ्रेंड जो आपको पसंद होती है वो आज कहीं ना कहीं रिग्रेट होते थे बाद में, उनके यार पूछ लेता. राइट. तो वैसा मैंने बहुत लोगों को पूछ लिया था, रिजेक्शन मिले ठीक है, तो अभी गम नहीं है कि हाँ भाई ठीक है. सही है. तो अभी जैसे रील्स वायरल होना, ठीक है, ये एक बहुत सबको करना है कंटेंट, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो सबको अपील करेगा. बिल्कुल. आपका कंटेंट बहुत सारे लोगों को अपील करता है, तो इसको कंसिस्टेंटली बनाते रहना तो और वो जोन में रहना, वो आप कैसे करते हो? बहुत अच्छा सवाल मुझे भाई. अभी मेरा एक दोस्त है रोहित यादव जो आया है, उससे हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैसे इसको करना है. रील की अगर मैं बात करूँ भाई, कि 31 दिसंबर 2022 से मतलब एक लाइफ में चेंज आया था. तो मेरा एक फ्रेंड है कौस्तुभ दलवी करके, जो मेरे पीछे अगर आप लोग आवाज़ सुनते होगे, ए क्या कर रहे हैं संजू यादव ये, वो उसी की आवाज़ है. तो हम लोग 31 दिसंबर के 30th को कुछ बैठे थे, हम लोग बोले कुछ रील बनाते 31 दिसंबर पे. तो हम लोग कुछ भलता सोच रहे थे. तो वहाँ पे एक लड़का था राम गुप्ता करके, जो एक RVCJ मीडिया आपको पता होगा, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी वीडियोज़ बनाते थे. तो उसने एक ऐसे आइडिया दिया, मतलब वो कोई आर्टिस्ट भी नहीं था, वो आर्ट डायरेक्टर था वहाँ पे काम करने. वो बोला अरे भाई ये सब छोड़ो ना, नाकाबंदी पे बनाओ. परफेक्ट यार, ये तो बहुत सही बोला. वहाँ हमारा थॉट नहीं रहा उसका जा रहा है, ये पुलिस पकड़ती है ना उस पे बनाने का ना, ये क्या बना रहे हो. तो हम लोग ने बोला हाँ चल बना देते. और ऐसे बनाते हम लोग ने बनाना चालू किया. फिर हम लोग ने वो बनाया कि पुलिस जब 31 के टाइम पकड़ती है, कोई दारू पी रहा है, कोई पेपर रखा है, कोई रिजला जॉइंट पी रहा है, उसके ऊपर हम लोग ने बनाया. तो सडनली मुझको ऐसा था कि और भी कुछ डालना चाहिए इसमें. तो मेरा एक कैरेक्टर जो मतलब काफ़ी वायरल हुआ है, संजू यादव का, तो उस वक्त मुझको ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा कुछ डालते क्या यार कौस्तु. तो बोला बस हो गया यार, इतना मत डाल. बोला एक ऐसे डालते ना, तो कैरेक्टर डाले और हम लोग को लगा कि ये वाला कैरेक्टर ओके. और लोगों को हम लोगों ने दिखाया ना, तो बाकी सब में मतलब लोगों ने रिलेट किया, वो LSD वाला, पेपर वाला, सब चीज़ रिलेट किया. वो इतना मज़ा नहीं आया था. तो मेरा पता नहीं क्या मूड था, बोलते हैं टाइम आपका जब आता है ना, तो मैंने वो वाला एक वीडियो निकाल के ऊपर डाल दिया, व्हेन यूपी गाय स्पीक्स मराठी इन मुंबई, ऐसा करके मैंने डाल दिया. वो वाला वीडियो नहीं चला, वो चलने लग गया. राइट. संजू यादव वाला. तो मैं बोला यार ये क्या है. फिर बोले एक और बनाते इस पे. फिर एक और हम लोग ने दारू को लेके, ओल्ड मॉन्ग का, ठंडी का, वो लेके बनाया. फिर उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते गए. तो आइडिया वो जो संजू यादव का, अगर मैं बोलूँ ना, संजू यादव कैरेक्टर जो था, वो बोलते ना जो एक एक्टर होता है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक होनी चाहिए. राइट. और वो भी मैं मानता हूँ एक टैलेंट है, कि आपको अभी लोग यहाँ पे बैठे, पता नहीं कौन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घुसते जा रहे हैं, ये भी घुस रहे, वो भी जा रहे, आप भी मतलब जा रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में. तो मुझे लगा यार ये, मेरे बिल्डिंग में एक वॉचमैन था, तो ही वॉज फ्रॉम UP. तो एक बार कुछ ऐसी आपस में, बाजू में एक स्लम था, तो वहाँ पे झगड़ा होता था. तो वहाँ पे कोई मराठी महाराष्ट्रन वाले, तो वो मराठी में बात कर रहा था पुलिस से. तो
तो तब मेरे को वो कैरेक्टर मतलब आया, वो नॉर्मली जो बात करते थे वो अंकल जो थे, अब पता नहीं कहाँ है क्या नहीं, रहेगी तो मिलना चाहता हूँ मैं उनसे कि अंकल आपके वजह से मतलब कैरेक्टर मिला। तो वो नॉर्मल ऐसा जब बात करते थे तो ऐसे ही रहते, बूढ़े से थे। क्या बात कर रहे हो जे मैन, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा इंसान है जे मैन, पॉडकास्ट भी देखा है, बहुत मजा आता है हमको, बहुत मजा आता है। ये लड़का है ना टेरिस पे गया था, इनकी ये सब चालू रहती थी। तो वो एक बार क्या हुआ, उनका कोई झगड़ा चालू था, तो वो मराठी में कोई पुलिस वाले आए थे तो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे मराठी में, तो वो ऐसे करते, नहीं नहीं मैं केला नहीं साहेब, मैं तो आला होता तो मला मारला, मैं मारला ही नहीं। तो पता नहीं देखते देखते उस वक्त तो इंस्टेंट आ गया कि यार ये कैरेक्टर ऐसा डालते क्या, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज बनाते। तो नाम क्या रहेगा, पहले संजय वंजय कुछ था, तो संजू निकल गया मुँह से, फिर वो आता है जैसे रील में है, ये नाव क्या है, तेरा नाम क्या है, वो हिंदी में पूछता है मराठी में, माझा नाव संजू जाधव। क्या लाइसेंस देखा? जाधव नहीं यादव ही है साहब। किधर से आ रहा है तू? ते काय केला नहीं साहब, वो मैं सिर्फ एक चकना खा रहा था साहब, दोस्तों के साथ बैठा था। अच्छा तो दारू नहीं पिया है? दारू नहीं पिया है साहब, ब्रीजर पिया है। तो ब्रीजर भी तो दारू होता है? मेरी गर्लफ्रेंड बोली सर ब्रीजर दारू नहीं होता है, फक्त 2% अल्कोहल साहब, ऐसा करके उसको घसीट लेते। तो वो जो वर्ड है यूज कर सकता हूँ क्या मैं? अरे भाई पॉडकास्ट है बिंदास, वो जो आय झौली जो वर्ड है, तो वर्ड कैसे निकला, वो शूट करते करते ना वो आ गया ऐसा, मतलब इंस्टेंट करेक्ट। हाँ ऐसा था, वो जब खींचता मुझको आ गया, इम्प्रॉम्प्ट हो गया, सही है कि आय झौली साहब इतना निकला। और वो मैं डाला ना तो कमेंट में आई झोली आ रहा, तो मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं लोग। राइट तो फिर मैं देखा अच्छा एंड में मैंने आई झोली बोला। राइट तो वहाँ से वो चीज़ चालू हो गई। फिर अभी फिर ऐसा होगा कि पहले जैसा बता सिग्नेचर बन गया। हाँ सिग्नेचर बन गया। और मैं जैसा बता पहले मिमिक्री के रील्स डालता था मैं, आमिर सलमान की ये, तो इसमें साला मजा आने लग गया। राइट फिर मैं बोला ऐसे तो यार मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, तो उन्होंने वो POV जैसा बनाना शुरू किया कि 26 जनवरी आप क्या करना चाहते हो, टाइप्स ऑफ पीपल ये वो। तो वो धीरे धीरे बोला यार ये कैरेक्टर। फिर मैंने क्या किया, आसपास के जो दोस्त थे उनको डाला। तो मेरे एक और आपको बड़ा मजा आएगा उसमें, एक मेरे बिल्डिंग में बिल्डिंग के नीचे एक बैठे रहते भाई जिनका नाम है सलीम भाई। अच्छा तो वो ऑटो में बैठे रहते, वैसे आपके भी सोसाइटीज़ में आपको दिखेंगे काफ़ी लोग रहते सलीम भाई टाइप के, बस वो ज्ञानी रहते। हाँ 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 वो ज्ञानी होते समझ गए ना, और वो ज्ञान का पावर उनको एक पावर लेने के बाद आता है आई गेस। मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ गाइस, लोगों को लगता है। तो वो जो पावर लेने के बाद ज्ञान आता, तो मैं एक बार उनके साथ बैठा था, तो उनका मेरे को आया भाई ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और ये रिलेटेबल है क्योंकि एरिए में बैठते हैं ऐसे लोग। बरोबर तो उन लोग मतलब फूक फूक के उनका आवाज़ भी मुझको लगता है घस जाता है। हाँ। जितना लोग माल में घसते हो गला भी घस जाता है, तो उनका भी आवाज़ बड़ा इंटरेस्टिंग था ऐसा कुछ। क्या बोलते बंडा है अकेला लाला, मारता है क्या गांजा? नहीं भाई मैं नहीं मारता गांजा, जो नहीं मारे गांजो हिजड़ेगा भांजा। हाँ उनका ये और उनकी बहुत सारी स्टोरीज होती थी, मतलब कुछ क्रिकेट के बारे में, मतलब हर चीज़ उनको इतना ज्ञान है ना। राइट ऐसा लगता था यार काश ये टीचर होता हमारा। राइट कॉलेज या स्कूल में मतलब ये अगर हमको ज्ञान देता तो हम एक ऐसा मेरा मतलब मैं जो ऐसा मतलब रेडियो आने से पहले ये सब एक ही इंसान को देखा है, वो जॉनी लीवर है ब्रो। और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, जिस दिन आए बहुत मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि वो जब स्टैंड अप कॉमेडी तभी करते थे ना। बिल्कुल तो क्या होता था कि म्यूजिशियंस आते थे, गाना वाना गाते थे, उनका एक पैकअप हो गया है, ठीक है, पीछे से वो तबला वाला अपना तबला हटा रहा है, सब अपना सब निकाल के लेके जा रहे हैं। तब उसने आई थिंक कल्याण जी आनंद जी को रिक्वेस्ट किया था, तो जॉनी लीवर सर ने, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने चालू किया। और जो चालू किया ब्रो, मतलब उसमें वही रामलीला का जिसमें अलग अलग आवाज, फिर बाद में वो बिंदास बोलते थे कि हमारे उधर मोहल्ले में बैठे थे गफूर भाई चरसी, तो ये सब उन मतलब जिस तरीके से वो बना देते हैं, बहुत इंस्पायर हो गया था। उनका एक कसेट भी है हंसी के हंगामे बोल के, कभी सुनना भाई तुम पागल हो जाओगे। मैं भाई ये मैं बता रहा था जो महान आदमी का मैं नाम लेने वाला था, वो लेजेंड जॉनी सर ही है। अरे तो जैसे मैं ना हमेशा बोलता हूँ ब्रो कि क्रिकेट में जैसा सचिन है, आई थिंक सो मतलब जो कॉमेडी के इसमें
जॉनी लीवर सर ही है और वो बहुत क्लोज है मेरे, अरे मतलब काफी क्लोज है, और अभी मैंने उनके साथ सीरीज भी किया था पॉपकॉर्न कुणाल के मूवी, पॉपकॉर्न, हाँ राइट राइट, पॉपकॉर्न हॉटस्टार पे, तो वो एक सरप्राइज मोमेंट था। वो मुझे ना पॉपकॉर्न के पहले से जानते थे, ओके, काफी टाइम से जानते थे, मतलब वो पहली बार, और वो इतने बोलते ना यार ऐसा आर्टिस्ट मतलब शायद ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसा माइकल जैक्सन जैसा वापस कोई आ नहीं सकता है, वैसा शायद ही आएगा कोई। जैसा मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला ना, तो एक होता है कि कोई आर्टिस्ट आपके साथ बैठा है और वो आपको सुन रहा है, कोई एक यंग आर्टिस्ट आया, तो एक बड़ा आर्टिस्ट होगा आपको मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा दिखाएगा एटीट्यूड कुछ तो, अरे नाइस टू गुड यू भाई। मैं वो जब फर्स्ट टाइम मुझे नवीन प्रभाकर सर जो पहचान को उन्होंने मुझे मिलाया, बोले सर इसका सुनो ना लड़के का, तो और एक आर्टिस्ट के लिए अरे यार ये मतलब इनके सामने सुना है मतलब खत्म, इसके आगे क्या है, और इनका अगर कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो फिर जीत गया, राइट। तो वो मतलब फर्स्ट टाइम भी जब मैं उनसे मिला, मैं कुछ सुना रहा था, मिमिक का एक्ट कर रहा था, उनका एक्सप्रेशन भी ऐसा, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था, बोला यार ये मतलब ये ऐसे ही सुनते सबको, वो सारे आर्टिस्ट को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, और आपको और मेरा ऐसा होता था कि शूट के टाइम पे मैं एकदम खास हो गया था, फोन कर देते हैं वैनिटी मतलब हमारे बाजू में, और उनका भाई तो बोल किधर है तू, सर मैं वैनिटी में, वैनिटी में क्या कर रहा है, इधर आना अंदर आ, बैठ। फिर भाई इतने किस्से ना, मतलब वो तीन जनरेशन से शायद चालू है यार, इतने किस्से, और अपन बच्चे ऐसा ना सुनते, सर वो सलमान का क्या था बताओ ना, सलमान के किस्से, संजय दत्त के किस्से, इतने किस्से मतलब, और फिर उनकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो पॉडकास्ट ही भाई मतलब ऐसा लगेगा कि आप लाइफ टाइम वाला हो। मैं तो सिर्फ बैठ के सिर्फ सुनेगा भाई, वो आप सुनते रहोगे 110% आप है ना सुनते रहोगे, वो मतलब चालू हो गए ना एक बार उनका ऐसा है, अभी आप हो ये है, ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये कौन है, ये चालू हो जाते हो, और आपको इतना मजा आएगा, बोले कि यार ये सुनते रहो, सुनते रहो भाई, और कुछ नहीं, शूट रोक दो, ये सुनते रहो, राइट मैन ही। मतलब मैं एक दो बार ही मिला हूँ, मतलब उनको मतलब जानता है वो, तो वो जब भी आई थिंक एक शो कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे मोहल्ले के भाई लोग आए हैं ये वो, उन्होंने बोला तो दो जन, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग दोनों ने हूट किया करके, बोला देखो आ गए तो उधर से, और आई थिंक उनका सबसे स्टेलर परफॉर्मेंस मेरे को लगता है कि जब माइकल जैक्सन का जो क्रेज था, उन्होंने मतलब लिरिक्स जो उन्होंने बनाए ब्रो, आई थिंक ऑन द स्पॉट किया है वो, दैट इज सम अदर लेवल टैलेंट। मतलब मेरे को सिर्फ ये मालूम है कि मतलब कि माइकल जैक्सन ऐसा इधर पकड़ के वो डांस करते करते, तो धीरे धीरे करके उनके ऑर्केस्ट्रा में लोग जो पीछे बजाने के लिए रेडी है वो लोग भी दे देते हैं उनको, सो देन पिस्टन स्टैंड पिस्टन, मतलब कर रहे हैं, मतलब मैं बोला ये क्या हो रहा है ब्रो ये, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट ग्रेट यार, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, सो अमेजिंग टू हैव यू ब्रो। उनके बारे में बात करना मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, अलग है यार वो एक, और प्लस वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा ही है उनके बैठेगे ना, तो मेरे साथ तो कोई अलग ही बात चल रही थी ऊपर वाली, फिर देन हम लोग नीचे वाली बात करके दो तीन लोग मिलेंगे ना, फिर वो नीचे वाली बात इतनी इंटरेस्टिंग, सलमान भाई क्या करते थे, सलमान ये करता था, संजय दत्त का क्या होता था, एक एक ऐसी स्टोरी ना, यू विल बी अमेज्ड कि अरे यार ये क्या है, और सुनाओ ना, और सुनाओ ना, राइट। फिर मैं भी अरे सर वो शाहरुख का क्या होता है, सर बादशाह पिक्चर में क्या होता है, क्या होता है, बस हो गया अभी बादशाह पिक्चर में तो वो गोटी है, बकरी का गोटी है, मतलब क्या है यार, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड बहुत सारा चीज मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज बचपन से उनको सुनते आया, और यू नो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना ब्रो, ये जितने भी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से होती है, या वो कहीं ना कहीं आप मेरे को वो समझ में आ रहा है कि आपका भी मतलब धीरे धीरे करके नोटिस करके लोगों को नोटिस, आप कभी माटुंगा आए हो क्या? आया ना ब्रो, तो कूलर मालूम है आपको, कूलर वहाँ पे ईरानी कैफे जहाँ पे वास्तव का शूट हुआ था, समझ गया समझ गया, वास्तव वहाँ पे एक बंदा बैठता मालूम है, अच्छा उसका नाम है अली, अली ठीक है, वो बचपन से मतलब मैंने उसकी वजह से बहुत मार खाया है क्योंकि वो क्या है मालूम है, ईरानी पारसी है, वो क्या करता था कि 8 रुपए का ब्रेड का पैकेट मिलता था, ठीक है, 8 रुपए का मैं 10 रुपए देता था, और वो मेरे को 2 रुपए का चॉकलेट देता था, मेरे घर पे पिटाई होती थी कि भाई ये 2 रुपया किधर है, मैंने चॉकलेट दिया, और मेरे को वो तभी समझ में नहीं आता था, मेरे को किसी ने बताया कि तू उसको वो चॉकलेट नहीं लेके 2 रुपया ले सकता है ये, फिर वो ना किधर भी किसको भी कुछ भी बोलेगा, मतलब उसके
क्या बोलता है कैफे में अमेरिकन्स ऑस्ट्रेलियंस ब्लैक अमेरिकन सब लोग आए हैं बैठे हैं ठीक है सडनली हम लोग बैठ के खा रहे हैं मैं भी दोस्तों के साथ बैठ के पाव खा रहा हूँ तो यू नो हाउ वी गॉट एड्स अफ्रीकन फक मंकी वी गॉट एड्स क्या बोल रहे हैं ये चूतिया और वो लोग एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं मालूम है कि ये क्या बोल दिया है चूते ने और वो ऐसी है उधर का मतलब डेली वेज वर्कर्स है ठीक है कपड़ा मार रहे माधर चोत कस्टमर आया माधर यही ऐसे ही बात करता हो तो फिर वो धीरे धीरे करते हैं फिर मैं कॉलेज में क्या करता था मैं शमशु का ए शमशु लौड़े इधर आ करता था और फिर भाग जाता था उधर से फिर वो उधर जाके देख रहा तो बुलाया नहीं माधर चोत तेरे को तो ये करता था वो बहुत मतलब वो क्रेजी है लेकिन उसकी बाद में अभी अभी कोरोना के टाइम पे लग गई उसकी क्योंकि वो गाड़ी में बैठा और ब्लू लाइट वाला गाड़ी किसी का था बैठ के गाड़ी चलाते कर उसका बेटा वीडियो ले रहा है पीछे बोल के कि करो ना करिए पूरा माटुंगा में घूमा है वो तो पब्लिक भड़क गया है ठीक है कट टू नेक्स्ट वीडियो पुलिस मतलब माटुंगा पुलिस ने सबको भेजा रेजिडेंट ऑफ माटुंगा सबको भेजा सॉरी मेरे से गलती हो गया मेरे को माफ और कितना जन खुश हुआ है मालूम है वो देख के उसके मुँह से सॉरी निकालना मतलब बड़ी फक बहुत बड़ी बात अभी एक्सपीरियंसिस की बात करते हैं आपका मतलब सबसे मस्त वाला एक्सपीरियंस किसी के साथ हुआ है जो आपको याद है अभी मतलब जो आपको मतलब लगा कि यार सही यार बहुत मज़ा आया इसके साथ मतलब मुझे जैसे जॉनी सर का तो पता वो एक अलग हो गया वो फैमिली वाला एक्सपीरियंस हो गया जैसे एक्टर्स की बात करें तो मैं ना नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर है तो वहाँ पर जाया करता था एक मेरी आंटी है रेखा खान करके तो मुझे बुलाती थी और मतलब वहाँ पर परफॉर्म करता था वाओ जो मतलब ऑलमोस्ट सारे सेलेब्स के सामने किया शाहरुख खान हो गए सलमान सर हो गए और रितेश हो गए वरुण हो गए काफ़ी लोग के साथ किया तो मैं वहाँ मिमिक करता था सलमान बन के मतलब पूरा इनैक्ट करता था तो मज़ा जब आया था जब सलमान भाई खुद आ गए थे वहाँ पे और एक मैं सलमान भाई की बहुत मिमिक करता था सो आई वॉज लाइक मतलब बचपन से ख्वाहिश थी कि भाई के सामने भाई की करना है क्या बात है तो क्या हुआ जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया है मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ भाई ने कुछ 2 बजे का टाइम दिया था तो 6-7 कब बज गए पता नहीं चला था देन है ना क्या हुआ ना हम लोग बोर हो रहे थे मैं मेरा दोस्त तो हम लोग बोले चल यार जाते यार बोर वो भी था सलमान भाई है कैसे जा सकता है तो कोई भी ऐसा गाड़ी आ रही थी ना हम लोग क्या ऐसा लगता ये लगता भाई है भाई है तो हम लोग मस्ती भी करते लोग ऐसा खड़े हम लोग ये भाई है तो लोग किधर ऐसा हो जाते लोग तो भाई सही में भाई आ गया था फिर तो भाई आया देन वो है ना सुल्तान के वो वाले लुक में आए थे भाई वो एकदम पेट वे तो हम लोग को लगा एकदम हैंडसम भाई आएंगे तो देखे तो बोला अरे ये क्या है भाई ये कौन है वैसा भाई निकल के ऐसा आँख वाँख दिखा के यूँ जा रहा है तो हम लोग है ना 2 स्टेप मतलब बैक हो गए अरे ये क्या है और एक लड़की चिल्लाती है आई लव यू सलमान तो भाई का रिएक्शन क्या है भाई लिटरली ना फट रही थी भाई परफॉर्म करने और वो प्लान्ड होता है जैसा शोज वगैरह में कि फर्स्ट आप पूछना सेकंड आप थर्ड आप राइट तो मेरा नंबर कुछ 4th या 5th था और मेरे पहले एक दोस्त का था तो एक होता ना हमेशा ये पहले जा रहा है दोस्त के होता है तो दोस्त ने हाथ ऊपर किया वो कॉन्फिडेंस में और उसके पहले ना माहौल बनाया अगर सोच तूने सलमान भाई की मिमिक कर लिया सलमान भाई के सामने वो भाई ने देखो बजा दिया तो क्या होएगा तब तक ऐसा लेकिन ना माइंड में चल रहा है भाई हो भी सकता है ऐसा तो फिर मैं गया तो मैं हाथ ऊपर नहीं कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त मंगेश करके तो मंगेश खड़ा हुआ उसका हाँ आप पूछिए मंगेश खड़ा हुआ अब ये बड़े कॉन्फिडेंस में था ना लेकिन भाई को देख के अच्छे अच्छे की फट गई जाती है तो भाई ने ऐसा भाई को बोलता है हेलो हेलो सर तो भाई का रिएक्शन क्या है माइसेल मंगेश काड़े वो है ना अपना इंटरव्यू दे रहा है माइसेल मंगेश काड़े आई डिड BMM मास मीडिया मतलब भाई क्या कुछ मैं आके आपको गले लग सकता हूँ भाई का रिएक्शन दे रहे ऐसा से जा रहा है अरे भाई मतलब अरे जुबेर भाई मतलब जाना भाई मेरे फटी पड़ी है तू क्या कर रहा है वो गया भाई है ना ऐसा गले मिलता है स्टाइल में स्वैग में हाफ वाला ऐसा और डायलॉग बोलता है जब तक ये गले मिल रहे आप सवाल पूछते रहिए और ये आया उसके बाद में बैठ गया अब भाई मेरी बारी आने वाली है 2 नंबर के बाद
मैं बोला हाथ उठाऊंगा नहीं यार, डर लग रहा था, पता नहीं भाई। बोला भाई के रिएक्शन जैसे आंख ऐसा बड़ा बड़ा करके देख रहा, तो सुल्तान वाले और पेट वाले लुक में दाढ़ी में, तो मेरा नंबर आ गया भाई और एकदम नर्वसनेस हो रही है, हाथ ऊपर कर ही नहीं रहा। तो आंटी बोलते आप पूछिए, आप मैं हाथ ही नहीं, अरे आप करली हेयर वाले ब्लू टी शर्ट आप पूछिए। मैं हाथ ऊपर गया, फिर मैं फिर बोलते पूछ, बोला अस्सलाम वालेकुम भाई। अब इन्हें माइंड में क्या, ये भाई बोलेगा ना तो मारता है वो, किसी ने बोला था मेरे को। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं मतलब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, मैं कैन आई कम देयर एंड परफॉर्म फॉर यू। भाई ये रिएक्शन में आदमी क्या करे, क्या परफॉर्म करेगा। गया भाई वहाँ तक चल के, फिर वो जैसा बाजू में जैसा आप जितने दूर हो उससे भी थोड़ा करीब था मैं, देन ऐसा था वो फैन मूवमेंट, अबे भाई ओ शिट, अरे यार भाई अबे मंगेश सलमान भाई करके मैंने पकड़ लिया भाई को, हक कर लिया। वो भाई क्या बोल रहा है, वो कह रहा है तेरे को, बोला भाई ये फीलिंग आप समझ ही नहीं पाओगे भाई क्या हो रही है, अच्छा चल कर। तो फिर मैंने अपना मिमिक विमिक चालू किया, आमिर वामिर, मैं ट्रम्प कार्ड था आमिर, आपने देखा ही होगा, तो आमिर मैंने चालू किया सर, हाय सलमान हाउ आर यू, एक्चुअली ऐसा है सलमान के आई लव यू यार, देख तू मिलने नहीं आता है आजकल मुझे लेकिन मैं आता हूँ, मैं तुझे याद कर दूँ, हम मिलेंगे, हम अंदाज़ अपना टू भी बनाएंगे, लेकिन तू टाइम पे नहीं आएगा। ऐसा क्या भाई का रिएक्शन क्या है? और लोग ऐसा हंस रहे, ये क्या है भाई? ट्रम्प कार्ड ही मतलब अपना गया, पहला बॉल डाले मतलब वो पता नहीं कहाँ सिक्स मारा आदमी। फिर मैं अब क्या करूँ, तो फिर मैंने चालू कर दिया, मैं फ्लो में था। फिर मैं भाई एक नए एक्टर है जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मतलब ऐसा मैंने इधर बोला, भाई एक नए एक्टर है जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब सलमान भाई इधर है और सलमान भाई ऐसा नज़दीक आ गया एकदम, और ऐसा कर करना। फिर मैं ऐसा नवाज का अभी पता नहीं निकलिया कि नहीं उसको किया, डर गया, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई डरता है भाई, मेरे को कहीं को नहीं लिया भाई पिक्चर में, मेरा लंबा पूछ है, मेरे उल्टे हाथ है, मैं स्टक हो गया था भाई, मेरे को पिक्चर में ले ले भाई। ऐसा किया तो भाई का रिएक्शन क्या, माशुदी ऐसा मतलब करीब आके बोला तो मैं ऐसा, अरे ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे एक एक करने लग गया मैं, जिम कैरी करी क्या क्या कर रहा पता नहीं, महेश मांजरेकर का मुँह बना रहा, बोला सर भाई आपका एक दोस्त है वो भी, अच्छा कौन है, कर। फिर भाई को इंटरेस्ट आ गया, ये वो स्वैग दे रहा भाई, वो बिग बॉस में था, चालू है भाई का। भाई एक महेश मांजरेकर गए, महेश मांजरेकर हाउ दैट्स पॉसिबल डू इट। तो फिर मैंने मुंह बनाता हूँ महेश मांजरेकर ऐसा कोई अच्छा कावत रे सलमान कैसे रे तू आई ला रे, फिर ऐसा करके सलमान भाई, फिर सलमान भाई उसमें गया नेक्स्ट कर फिर मैं बोला यार छोड़ देता हूँ भाई। देन मेरे दोस्त ने ना बोल के रखा था लोगों के, अभी तू है ना सब चिल्लाना सलमान की कर, सलमान की कर, तो चिल्ला रहे सब सलमान की करो सलमान भाई भाई। तो फिर वो भाई यहाँ खड़ा है, मतलब नहीं हो सकता है ब्रो, मतलब भाई यहाँ खड़ा है मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भाई को मैं भाई मैं कर दूँ क्या, एकदम मासूम बच्चे सा, भाई का रिएक्शन क्या है भाई मेरी बचपन की ख्वाहिश थी भाई वो आज पूरी होने वाली है, गाय की मार खाने की ना आज हो जाएगी चल कर। तो फिर सलमान भाई के सामने ऐसा मेरे को हो नहीं रहा था, मैंने इधर देख के ऐसा कुछ तो किया, अभी शायद उतनी अच्छी मिमिक्री होगी नहीं छोड़ दिया हो, तो भाई ऐसा खड़े यहाँ पे, फिर मैंने किया ऐसा yeah. तो जाइए और देखिए प्रेम रतन धन पायो जो कि रिलीज हो रही है, एक सेकेंड डेट भूल गया, हाँ 12 तारीख को। और मैं नीचे बैठ गया, तो भाई रियल वाले भाई बोले नीचे क्यों बैठ रहा तू, अब क्या बोलूँ भाई, वो क्या है ना आई एम ऑलवेज डाउन टू अर्थ, दैट्स व्हाई दे लव मी सो मच। अच्छा खड़े हो तो ये सारे मतलब मूवमेंट्स होते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया था, मतलब सलमान भाई के सामने क्रेजी था, फिर शाहरुख सर के सामने कैसा था, मतलब शाहरुख सर वो एक आग बनाते ना बहुत रोमांटिक वाली, वैसा लगता था वो लाइफ में एक बार शाहरुख सर अपने को देखे, तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी उनको भी जब परफॉर्म किया उनके सामने, तो उन्होंने मेरे को ऐसा वो वाला आग बना के देखा
किया ना, बोला अरे यार ये क्या था भाई, मतलब एकदम दिल पे वो मोमेंट मतलब अभी भी याद है। फिर बाकी जैसे मैं अभी पॉपकॉर्न जब कर रहा था तो एक वो वाला दौर आ गया कि अभी इन लोगों के साथ परफॉर्म तो किया, अभी असली वाला परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसके लिए तो मैं फराज सर जो है, फराज साम जी सर, उनके उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो लाइफ की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिए थे। तो मुझे पॉपकॉर्न मिली कैसे मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग, एक्चुअली दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पूछ लो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं बोलो भाई। अच्छा बोलू, ये सोच रहे कैसा है यार मेरे पॉडकास्ट पे मैं सवाल। अरे अच्छा है ब्रो, पॉडकास्ट यही तो होता है ब्रो। तो मतलब मैं ना भाई एक शो गया था स्टैंड अप का, लाइव शो जो हम लोग करते थे, तो वो कोई एक कहाँ पे मैंने टाउन साइड में कहीं गया था मझगांव में, तो उनकी कम्युनिटी थी खोजा लोगों की, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। फराज सर वहाँ थे नहीं, और यू वोंट बिलीव कि मेरे को पता ही नहीं फराज साहब जी कौन है, मतलब मैं कुछ लॉकडाउन के पहले की बात बता रहा हूँ, 2017 वगैरह की परफॉर्म किया, तो वहाँ पे लोगों को अच्छा लगा, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने फराज सर को बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, तो पता नहीं मुझको ना ट्रैक कर रहे थे जब से, और नंबर था मेरे पास और मैं फराद भाई करके सेफ, अभी भी वैसे ही फराद भाई, तो मुझे पता ही नहीं था कि फराद साम जी मतलब इतने बड़े हुए। तो मुझे अचानक अभी पिछले साल कॉल आता है प्रोडक्शन से कि एक वेब सीरीज आप करोगे, ये डेट्स को फ्री हो, आई वाज लाइक ओके आई विल कम। तो नरेशन हो रहा है, मेरे को लगा अभी ऑडिशन होएगा ये होएगा भाई, नरेशन हुआ और नरेशन के बाद वो बंदा क्या पूछता है, तो सर आप करना चाहोगे, वहाँ का सर पहली बार इतना इज्जत दिया, हाँ ऑब्वियसली करना चाहूंगा। तो उन्होंने फिर बोला इसमें कुणाल केमू है, फिर जब जॉनी लीवर सर का नाम लिए तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड यार, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए तो बहुत बड़ी ड्रीम होती है उनके साथ में काम करना। फिर फराज सर ने वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया और बहुत अच्छा रोल है, मतलब उसमें कुणाल का एकदम बेस्ट फ्रेंड बनाओ थ्रू आउट, मतलब उसमें आपका नाम क्या है, 4G है? हाँ 4G, 4G है ना, 4G का कुछ फुल फॉर्म था गंगा गोपाल गौरव गुलाटी। अरे तो वहाँ पे यार मुझे ना एक्टिंग मतलब ऐसा एक होता ना, मतलब हम एक्टर है, तो वहाँ पे जाके ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा, कि बैठना कैसे, उठना कैसे, किससे कितना बात करना है, हम मतलब ऐसे होते थे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंडली वे में, तो कितना बात करना है, एक्टिंग में कितना फोर्स डालना है, कितना डायलॉग कब बोलना है, सामने वाले का कितना बोलना है, वो वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ सीखने मिली। और कुणाल भाई को भी मैं एकदम प्यार भरे भाई है मेरे, मतलब इतने हम्बल यार, इतने डाउन टू अर्थ है कुणाल खेमू, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब ही हैज बीन अ चाइल्ड एक्टर मैन, मतलब कब से ब्रो, कितने टाइम से, एंड विद गोलमाल में उनका वो राइमिंग वाला एक पार्ट था, मेरे को बहुत मजा आता था वो सुनने, बहुत मस्त था या ब्रो। और जब भी गोलमाल रिलीज होता था सब पब्लिक देखती थी, फिर बाद में धीरे धीरे करके जैसे आई थिंक जी सिनेमा इसमें आ रहा था, तो हम लोग कहते सैटरडे बोर हो रहा है चल देख लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके बिल्डअप हुआ, अभी आज की तारीख में वो कल्ट हो गया, कल्ट है वो। जैसे तभी अंदाज अपना अपना था, अब गोलमाल कल्ट है ब्रो, ट्रू अलग लेवल कल्ट है वो। और मतलब ठीक है, जिसमें मतलब मेरे को एक ही चीज का इरिटेशन होता था कि हर चीज में ये सब क्यों डाल रहा है, मैं यही सोचता था, फिर मैं बोला कि शायद है यार, हिज वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट एंड ही इज अपीलिंग टू मासेस एंड या मैन, मतलब या विद शाहरुख खान आई कैन से दैट, मतलब मैं पहली बार जब मन्नत गया था उनका इंटरव्यू था, इट वॉज मी एंड मलेश का, हम लोग दोनों गए थे, तो ऐसे वही मतलब कि ये हो गया था कि यार मैं जा रहा मिलने को, यार क्या पूछने का कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में है क्वेश्चंस, ऊपर चढ़ के गए और हम लोग का टर्न आया, तो तब तक सबकी खातिरदारी हो रही है, सबको ऐसा तेरे को क्या चाहिए, तेरे को सैंडविच चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने बोला अरे यार, और फिर मेरे को बोला था कि उधर जाके ज़्यादा खा मत करके मैंने एक दो लिया, चाय लिया, फिर हम लोग का टर्न आया, लोग ऊपर गए और उनके लाइब्रेरी में जो आई थिंक ओम शांति ओम या दूसरी कोई फिल्म में दिखाया है उनका जो, अच्छा। जैसे वैसे ही है एक्चुअली घर मतलब उनका जो स्टडी है, अंदर घुसा वो देख रहा हूँ कि वाइट पर्दा है, ठीक है, हाथ में उनके वाइट कप ऑफ कॉफ़ी है, ब्लैक टी शर्ट ऐसा वही आर्मी का कार्गो, ब्लैक शूज और ऐसे टर्न करके, अरे गाइस मैंने बोला ये घर पे भी हीरो है यार एक्चुअली। सो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी
दैट कि हम लोग उनको आई थिंक इट वॉज फॉर फैन तो तभी गए थे एंड तो बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने. एक बात मेरे को बहुत सही बताई कि कभी भी अपने टैलेंट को मतलब ये मत होने देना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात आती है और टैलेंट की बात आती है तो उसको दोनों को गिरने मत देना. तो उनका कुछ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ये बोला कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, उनके पास गए, मेरे को बाद में बताया नाम. तो उनके पास गए, उनको बोला कि आपने बुलाया सर मैं आ गया करके. मैं बोला ठीक है तो फिर फिल्म कर लेंगे. तो मैं बोला स्क्रिप्ट. तो डायरेक्टर भड़क गया, बोलते कि यू आर आस्किंग मी द स्क्रिप्ट. बोला ओके सर देन यू टेल मी कि मैं किसको जाके पूछूँ, आपके कोई असिस्टेंट है उनको पूछूँ. बोला यू आर गोइंग टू आस्क माई असिस्टेंट फॉर द स्क्रिप्ट. बोला ठीक है सर तो फिर स्क्रिप्ट राइटर. स्क्रिप्ट राइटर? बोला ठीक है सर एक काम करता हूँ, आपके घर के बाहर वो भेल वाला है उसको स्क्रिप्ट पूछ लेता हूँ. इसका भी हार्ड गया था. तो देन ही वाज लाइक गेट आउट एंड न्यू यू. फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने उनसे बात की, बोला कि ऐसे सब नहीं बात करते यार, बड़ा डायरेक्टर है तू क्या कर रहे हो. एंड देन ही सेड दैट कि फ़ोन किया, बोला कि सर हाँ ठीक है सब सॉर्ट है लेकिन आपकी फिल्म तो नहीं कर रहा मैं. बोला दैट्स योर वे मैन. आई मीन मैं क्या बोलूँ यार. आई मीन इट वॉज अ मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस. और हम लोग मैं बोला यार हम लोग ऐसे नहीं जा सकते यार, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा शाहरुख खान. सो मतलब इट इज ऑन रिकॉर्ड. क्या ही बोलूँ, मतलब आई बम्ड अ सिगरेट फ्रॉम शाहरुख खान. सो यार क्रेजी होता है. आपका मतलब जब भी आपका शूट करने का जो टाइम रहता है यू नो वो टाइम पे आप एक जोन में रहते हो करेक्ट. तो वो जोन को अचीव करने के लिए मतलब आप क्या प्री रिहर्स, कभी कभी लाइनें भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें आप कैसे अपने आप को मतलब वो जोन में रख के कंट्रोल करते हो? ब्रो कैसा है ना कि जहाँ तक मतलब बोलते हैं मैथड एक्टिंग, अब पता नहीं होती भी है क्या नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है कि सबके एक अलग अलग मैथड्स है. करेक्ट. जैसे आपका पॉडकास्ट का मतलब कुछ क्वेश्चन वो आपका मैथड है. right. आपने जो बीट बॉक्सिंग की वो आपका मैथड है. सबका एक अलग अलग मैथड है मुझे लगता है. तो मेरा मेथड ऐसा होता है कि मुझे ऐसा कंफर्ट लगता है कि जैसा कोई मैं कैरेक्टर में जाता हूँ ना तो वो कैरेक्टर खुद ही बात करता है. करेक्ट. और वो शायद वो डायलॉग भी आप लिख के दोगे ना वो मतलब एक ले लेगा टॉपिक के ये मुद्दे पे बात करने का. बट वो अपने आप जो अपने अंदाज से बोलेगा ना, जैसा अभी जैसा सलीम भाई का मैं एग्जाम्पल दिया, आप उसको लाइन दोगे तो बोलेगा ना रियल दिखने के लिए. अगर वो लाइन बाय हार्ट करेगा ना फेक लगेगा. करेक्ट. जैसे सलीम भाई यहाँ पे रहेंगे तो क्या बात करेगा, क्या बोल दीजिए भाई जैसे याद आ गया वाह अरे याद है ना खाला के पास क्या जेल आई ली थी भाई एकदम बोली आऊँ धा हिलाड़ा ले ली भाई अरे सुफियान आईकुल देना रे नहीं नशा छोड़ दिया ना मैंने करता ही नहीं मैं तुम्हारी जान की कसम भाई मर गए तो बोलना नहीं मतलब ये नेचुरल. देखो मैंने कोई स्क्रिप्ट किया नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था एक्चुअली. जैसे ना आप कैरेक्टर का अगर देखोगे ना कैरेक्टर मतलब मेरा मानना क्या है, मैंने ऑब्जर्व करते रहो फिर है ना आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना कोई बड़े मूवी की या कोई भी आपको रोल जब मिलता है तो सडनली ना एक कैरेक्टर आपके दिमाग में आ जाता है. जैसे अभी मैं कुछ कर रहा हूँ मुझको ऐसा लगे अरे यार ये जे ये कैरेक्टर में जे जा सकता है तो सडनली आपके दिमाग में आ जाएगा कोई भी वो डीओपी जो है या रिकॉर्डिस्ट जो भी मतलब यहाँ पे वो सडनली आपको ना क्लिक कर रहा है ये कैरेक्टर पर परफेक्ट जा रहा है. करेक्ट. और एक चीज़ है ना मुझे एक चीज़ मतलब पॉपकॉर्न में मैंने सीखा जो कि जॉनी सर ने भी बोले थे बहुत अच्छी, ये अपने साथ होता है जब हम कहीं नए जगह पे जाते अपने को कुछ करना होता है कि ये डायलॉग मैं ऐसा बोलूँगा ये फ्लो में, पर हम नर्वस होते हैं क्या पता इसको अच्छा लगेगा क्या ये डायरेक्टर को अच्छा लगेगा. राइट. तो जॉनी सर ने बहुत अच्छी बात बोले थे, बोले जो तेरा मन का ना कर दे क्या पता बहुत अच्छा हो. राइट. या तो डायरेक्टर जो बोलने वाला तो करने वाला है. राइट. वो कट बोलेगा दूसरा लेगा लेकिन तेरे मन क्या कर दे. नहीं तो ना बाद में साला एक्टिंग में भी होता है रात को जब सोने बैठते ना अरे यार इसको ना ऐसा लेना चाहिए था ये टेक को ऐसा लेना. अभी ऐसा पॉडकास्ट के आदमी मेरे को ऐसा लगेगा यार मुझे है ना शायद वो वाली बात नहीं बोला मैंने वो कुछ मिसिंग है. ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी. राइट. तो मतलब कैरेक्टर को इतना मतलब फील करो. करेक्ट. एक्टिंग में मान दो ना फील का गेम है. राइट. आप अभी मैं कभी चरस गांजा पिया नहीं ठीक है लेकिन मैं फील करके मतलब बता सकता हूँ जैसे सलमान भाई क्या करते होगे क्या नहीं एक फील है. जैसे कोई कैरेक्टर है जैसे आज के जो यंगस्टर्स है
जो स्टोनर्स होते हैं वो अलग बिहेव करेंगे, और जो हमारे सलीम भाई टाइप है वो अलग करेंगे अपने नॉर्मल वाले फक यू ब्रो लाना है फक यू ब्रो बोले ना इतना हाई था ना ब्रो फक ब्रो या ब्रो जस्ट चिलिंग ब्रो यू नो आई एम सेइंग ब्रो यू नो आई एम सेइंग ब्रो जस्ट पास द फकिंग जॉब ब्रो यू नो व्हाट येस्टरडे आई वाज सो हाई ब्रो या ब्रो पता है कौन सा वाला जीपी है ब्रो कौन सा वाला ब्रो ओजी नो ब्रो हाइड्रो ब्रो किलिंग मी नाउ याद आएगा ब्रो हां और आगे एकदम छोटी अब सेम आप अगर देखोगे ना तो दारू वालों में भी मतलब कैटेगरीज है मेरे को हां हां एब्सोल्युटली है अब ये स्लम वाले को देखोगे ना जो रोड वाले वो एकदम खतरनाक बिकॉज़ इट इज देसी थर्रा हाँ वो देसी देसी भाई मुझे लगता है उसको देसी भी पिला दो या देसी पिला दो या एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता हाई फंडा पिला उसका जो एक्ट करेगा ना वैसे ही करेगा राइट मैन ये सब नॉर्मल वाले को ले लो जो एकदम सोफिस्टिकेटेड होते क्लब्स वाले या चढ़ी है मतलब दिखाएगा नहीं या ओ या और उसको ले लो वो मतलब एकदम तेरी माँ की आग वो वाला है मतलब कोई मेरे सामने एक स्लम के एरिया है पूरे तो वहाँ पे कोई बंदा सागर नाम का तो मैं उसको देखता ना मंडे टू फ्राइडे एकदम मस्त रहता है काय कसा है चांगला ना चांगले एकदम चांगलाच वाटते काय काय पे एक चांगले मस्त आदमी है उस वाले को सैटरडे को देखो तुम वो अलग हो जाएगा ऐसा का वाट पीला तू पीला तेरे बाप क्या कह रहे पुलिस आएगी तो पीला है सर देखो दोनों का वेरिएशन अलग अलग अब ऐसा ना रणवीर सिंह मतलब ये क्या शाहरुल ना शाहरुल आया था ना तो मुझको वो याद आया था मैं इससे बात करता हूँ रैप बैटल वाला सीन है तो मैंने ना एक शो पे गया था तब गली बॉय नहीं आई थी तो मेरे को पता नहीं मैं फ्लो फ्लो में ना रणवीर के तीन वेरिएशन दिखा दिया था वो ऐसे कुछ थे जैसा रणवीर से आप मिले हो गए तो रणवीर जैसा नॉर्मल बात करेगा तो एकदम ऐसा तुम्हारे को एकदम चिड आउट होकर एकदम नॉर्मल हाय गाइस दिस इज रणवीर सिंह हाउ आर यू क्या बोलता है छोटे कैसा है जे ये नॉर्मल अब वो कैरेक्टर में आता तो डिफरेंट हो जाता है अब पद्मावत ले लो उसमें जो खिलजी बना है उसमें अलग है वो एकदम क्या कहती है रानी पद्मावती मंजूर है हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया गफूर जी हुजूर मतलब अब फिर उसको आप गली बॉय में देखो वो अलग अलग हो गया ट्रांजिशंस बता रहा हूँ गली बॉय में वो मुझे बहुत फेवरेट लगता है शाहरुल तेरे बस का नहीं है वो मुझे याद नहीं रहा वो करता है वो ना ठिक ठिक उसमें इमोशंस दिख रहे हैं आप एक कैरेक्टर की स्टडी देखो कि मुझे ऐसा दबा गया अब मैं फटूंगा वो वाली चीज उसने मतलब इतने अच्छे से उसको एक्ट किया है बहुत मस्त बोला तू सुना मैंने अब नाचू क्या बहाता हूं मैं खून पसीना बहाऊंगा मैं तेरे आंसू क्या वही तीन जोड़ी कपड़े पास मेरे इन कपड़ों को मैं बार बार पहनू लेकिन हर बार लगू मैं ठासू क्या सलाम ठोक सर झुका तू तुम दबा चल रास्ता नाप ले कपड़े सिलाई ले खुद के दम पे नहीं लिए तेरे बाप से कैसा लगा रणवीर बहुत हार्ड ना मतलब ऐसा वेरिएशन होते हैं हर एक्टर्स के राइट बहुत सही यार तो वही भाई ऑब्जर्वेशन की खिड़की खोल के रखो कौन सा आपको कहां मिल जाए राइट सॉलिड ब्रो वेल अभी आप क्या करने वाले हो नया कुछ रील का आइडिया प्लस आप कौन से इसमें दिखने वाले हो हमको हाँ मैं अभी एक आध सीरीज कर रहा हूँ ओके और जल्दी इंशाल्लाह पॉपकॉर्न 2 भी चालू होने अरे अभी मीटिंग्स चालू है सही है और भी मतलब मूवीज फराज सर भी लिख रहे हैं उसमें भी शायद अरे क्या बात है हो सकता है और अभी एक सीरीज करके आया हूँ मैं उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ अमेजोन के लिए वो एक कर रहा हूँ फिर और है लाइनअप पे तुम फनी कैरेक्टर है क्या है ये मतलब मोस्टली ऐसा कॉमेडी वाला ये थोड़ा मतलब डिफरेंट है जो ये वाला क्या वो एक स्टोनर का ही है तो वो सलीम भाई वाला है वो वाला फक यू ब्रो वाला ब्रो वाला है वो बंटाई वाला नहीं है राइट ब्रो और बंटाई बहुत डिफरेंट है ब्रो एक्चुअली ब्रो और बंटाई भी थोड़े सेम हो गए आई बा अलग है करेक्ट बा अलग है बा अलग है क्या बोलते बा आई बा वो अलग हो गए फक यू ब्रो बंटाई क्या बोल रहा बंटाई तो ये मतलब वो तो क्रॉसओवर है ब्रो लॉट ऑफ पीपल मतलब ये
मतलब इन द सेंस दैट एमी में बंटा ने इसको काफी फेमस किया है एक्चुअली. या मैन, शाउट आउट टू हिम. यस. मेरा एमी में भंडारे ना एक रील पे कमेंट किया था, वो एक ईद वाला मैंने रील बना था पीपल ऑन ईद, तो एमी वे का भी उस पर आया था. तो मैं समझा भाई को मतलब सबसे अच्छा उसमें क्या लगा होगा, उसमें सलीम भाई का था इस बार ईद ईद में ना कैसा ना मैं जाने वाला हूँ पट्टी वाली खाला के पास, वो मेरे को ईदी देगी मैं भी लूँगा और खुद मालूम ना चालू रहेंगे वापन. शायद वो रिलेट किया होगा. राइट. बट लेकिन यार एमी वे बनता है भी मतलब मुझे काफी इंटरेस्टिंग. या he's मैं तो मिला नहीं उनसे, लेकिन इंशाल्लाह मिलूंगा. आई मेट हिम वंस एंड तभी आई थिंक ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेम गोइंग टू वेयर ही इज टुडे. मेरे को बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि अरे तुम पॉडकास्ट करते हो ये वो, उसको मैं बुलाएगा वो आएगा सही है ब्रो. बट द पॉइंट इज दैट कि मेरे को बोलता कि अरे वो ये डिस है ये है वो है, तो मेरे को बहुत सारे लोग है ना ऐसा पोजीशन करने को देखते हैं कि मैं कुछ बोलेगा. मैं बोला ब्रो हर इंसान अलग है, हर उंगली अलग है, ठीक है. उसका स्ट्रगल उसको उसने अचीव किया है वो और खुद के दम पे किया है और वो बोल रहा है उसके बारे में. सो इट्स ग्रेट मैन, एवरी वन हैज देयर ओन थिंग. अभी डिवाइन अलग लेवल. तो मैं जैसे शारुल भी बोल रहा था कि हर इंसान को ना मतलब ये प्लेट में ना सबके लिए खाना है, ठीक है. आप को कितना भूख है वो आप पे डिपेंड करता है. सही बोला सर. या मान सो यार थैंक्स सो मच ब्रो, बहुत प्यार तुमको, बहुत अच्छा लगा मिलके. तुमको मतलब जुबैर जूबी पे फॉलो करो ब्रो, फुल अमेजिंग रील्स मिलेंगे, बहुत धमाकेदार कंटेंट मिलेगा ब्रो. करते रहो ब्रो, बंद मत करो ब्रो. नहीं नहीं कर रहा हूं अभी तो मैं ये इनके साथ भी काफी रील बना रहा हूं. ओमकार हो गया, धीरज मेरे को क्या देखने वाला हूं मैं आपको बोलूं, आप मेरे लिए आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है मालूम है? एक मालूम है नाइजीरियन है जो हरियाणा में हिंदी. अच्छा वो जो हिंदी में गाना गाता है, मेरे को देखना है आपको उसके साथ भाई. वो कैसा है वो, मतलब एक नंबर सीन है वो. मेरे को उसको भी देखता हूँ, बहुत मजा आता है. मेरे को लगता है कि आप और वो मिलोगे ना तो मतलब फाड़ू कंटेंट आएगा. बिल्कुल बिल्कुल या ब्रो, उसके साथ करो यार. बिल्कुल ट्राई करें. कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते आप? वाइज वर्ड्स फ्रॉम अ वाइज मैन. वाइज वर्ड्स फॉर अ वाइज मैन, मतलब यार बहुत अच्छा लगा भाई के साथ मिलके. मैं आपको देखता था मतलब रेड एफएम के टाइम पे और काफ़ी जो म्यूचुअल दोस्त थे मेरे ख्याल से हम पहले एक बार वहाँ मिले थे ब्रो, रोहित गुप्ता के साथ. रोहित गुप्ता कभी जो वो प्रैंक कॉल करता ना संजय दत्त का. राइट. हाँ मलिष्का के यहाँ पे ऋषि कपूर के साथ किया था. हाँ ऋषि कपूर के साथ किया था, बहुत सही था. राइट राइट. तो हम पहले भी मिले थे बट अभी ऐसा याद नहीं आ रहा था मुझको. राइट. जाने से पहले भाई यही कहना चाहता हूँ कि भाई को सपोर्ट करो, इनको लाइक करो, शेयर करो. अरे ब्रो भाई भी अमेजिंग है. यहाँ पे भी जैसे मतलब भाई रियल लगे मुझे, जैसा यहाँ पे थे और बाहर भी वैसे थे मतलब. और असली रहना चाहिए मुझे जैसा लगता है, सच में असली रहना चाहिए. जैसे आप हो वैसे रहो और आपका जो टैलेंट है. इसमें भी एक चीज़ होती है भाई, जैसा एक आर्टिस्ट थी नाम नहीं लूँगा, तो वो अभी बीच में वो भी एक अर्ज में मतलब फेम के, तो वो मुझको पूछ रही थी कि यार अभी मैं ना वैसे टाइप के कपड़े पहनती हूँ, ये टाइप के कपड़े पहनती हूँ, मतलब लोगों को फॉलो करके, तो मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी चेंज हो रही हूँ एज एन एक्टर. तो कहीं ना भाई आपके आपके कीड़े को मतलब एक्टिंग वाले कीड़े को चेंज करता है. आप जो खुल के करते हैं जैसा मैं बता देसी और देशी बेवड़ा और अपना क्लबिंग वाला बेवड़ा, तो वो चेंज कर रहा आप झूठी पर्सनालिटी मेरे ख्याल से शो कर रहे हो. करेक्ट. तो जो जैसे हो भाई रियल रहो, मुझे तो ऐसे लगता. कोई जैसे मैं कोशिश करता हूँ, जैसा मेरा अकाउंट ये रोहित और दो तीन लोग संभालते हैं, मैं बोलता हूँ भाई जितना है ना सबको रिप्लाई करो. मैं भी देखता हूँ कभी कभी चैट्स डीएम में बात करता हूँ, कोई बोलता है कॉल करो भाई, मैं कॉल भी करता हूँ. सही है क्योंकि लोगों को हम लोगों को फेस छोटा सा हैप्पीनेस है उनका. और वो फेस देखे थे अपने को भी ऐसा था, अरे कोई अपने मैसेज का रिप्लाई करे. करेक्ट. करे या करी जो भी. थैंक यू सो मच ब्रो. थैंक यू सो मच. वेल इस पॉडकास्ट को जाके स्ट्रीम कर सकते हैं आप स्पॉटिफाई एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू स्पूलर फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम आता नहीं नंतर ये तो. थैंक यू. आई जहली.